कुछ ही दिनों में देश में लोकसभा के चुनाव का बिगुल बजने वाला है। किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, इसे लेकर देश भर में चर्चा छिड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एनडीए गठबंधन को 400 और अकेले बीजेपी को 370 सीटें मिलने का दावा लोकसभा में करने के बीच इंडिया टुडे और सी वोटर ने एक सर्वे किया है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक बीजेपी को सभी सीटों पर जीत मिलती दिख रही है। पंजाब में पिछले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। उसके अलावा कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, जो कि इस बार घटकर 5 पर पहुंच रही है, जबकि अकाली दल को 2 सीटें मिली थी, जो कि 1 पर पहुंच रही है। वहीं बीजेपी अपनी दोनों सीटें बचाती हुई दिख रही है। सर्वे के अनुसार यूपी में बीजेपी का वोट शेयर 49% से बढ़कर 52 के पार पहुंचने का अनुमान है। बीजेपी को 70 सीटें मिलने का अनुमान सर्वे में जताया गया है। इसके अलावा कांग्रेस को 1 सीट और समाजवादी पार्टी को 60 सीटें सर्वे में दी गई हैं। वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी इस बार फिर 0 दिख रही है, जबकि अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल, जो कि एनडीए में शामिल है, उसे भी 2 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि हरियाणा की 10 सीटों में से 8 सीटें बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा हो रहा है। कांग्रेस को पिछले चुनाव में कोई सीट नहीं मिली थी, इस लिहाज से देखें तो हरियाणा में बीजेपी को नुकसान होगा। बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज के साथ। धन्यवाद।